चलो तो आज बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। वैसे तो हम टेक्निकल एनालिसिस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, पर फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है और इसके बिना आप एक्चुअल में वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो फंडामेंटल एनालिसिस हमें ये बताता है कि कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है, उसकी बुनियाद कितनी स्ट्रांग है। तो जो कंपनी स्ट्रांग है वही बुरे वक्त में टिक पाती है, जो कंपनी स्ट्रांग नहीं है वो बुरे वक्त में जब भी रिसेशन आए ये सारा ऐसा कुछ हो तो वो बर्बाद हो जाती है। और यही चीज़ आपको शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होती दिखेगी। तो हमेशा ऐसे कंपनी को सेलेक्ट करना चाहिए जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग हो। तो फंडामेंटली वो स्ट्रांग है या वीक है ये हम देखते हैं बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट आप लोगों ने कई बार शायद देखी हो, अगर देखी होगी तो इस तरह के टर्म आपको उसमें मिलेंगे। तो अभी हम ये सारे टर्म समझेंगे कि क्या होते हैं, किसका क्या मतलब होता है और कैसे क्या यूज होता है। तो इन टर्म्स को डायरेक्टली समझने से अच्छा है क्यों ना हम खुद एक अपनी एक कंपनी बनाएं और उसको डे वन से स्टार्ट करें और उसको प्रॉफिटेबल बनाएं और फिर इन सारी चीज़ों की वैल्यू देखें। तो ये सारे टर्म्स जो हैं आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे अपने, तो इनको आपने नोट कर लिया है, इसको इसी तरह से नोट करना है और फिर आगे हम काम करते हैं। ठीक है, तो नोट हो गया है तो हम चलते हैं आगे। मान लीजिए कोई है मिस्टर एक्स, इन्होंने कोई एक गैजेट बनाया है। अब इनकी इच्छा है कि एक बड़ी कंपनी बनाए और उस गैजेट को सेल करें। तो सेल करेंगे बड़ा, तो उनको क्या है बड़े लेवल पे उसकी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। बड़े लेवल की प्रोडक्शन करने के लिए एक फैक्ट्री चाहिए, फैक्ट्री में बहुत सारे इक्विपमेंट चाहिए और बहुत सारी चीजें चाहिए। तो वो सारी चीजें इनको चाहिए। तो जब भी कोई आदमी नई कंपनी स्टार्ट करता है तो उसको लोन लेने में बहुत दिक्कत आती है। कोई भी आदमी उस पर भरोसा नहीं करता क्योंकि हर चीज नई है, उसको पैसा आसानी से नहीं मिलता। तो ऐसे केस में क्या होता है, उन्हें खुद ही अपना पैसा लगाना पड़ता है। तो मान लेते हैं ये भी अपना कुछ पैसा लगा रहे हैं, इन्होंने स्टार्टिंग में इनिशियली 1 लाख रुपए लगाए। अब ये 1 लाख इनके खुद के हैं इसलिए हम इसको लिखेंगे पेड इन कैपिटल। तो ये 1 लाख जो है पेड इन कैपिटल हो गई। पेड इन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इनकी खुद की है जो कि ये कंपनी में लगा रहे हैं। अब क्योंकि कंपनी अभी पूरी तरह से इन्हीं की है, इसके होल सोल मालिक यही हैं, तो और इस कंपनी के में क्योंकि इन्होंने 1 लाख लगा दी तो आज की डेट में इसकी वैल्यू 1 लाख हो गई। तो आज इसकी वैल्यू 1 लाख है। तो अब इसके मालिक सिर्फ यही है। तो मान लीजिए इन्होंने इस 1 लाख की वैल्यू की जो कंपनी है इसके कुछ डिवीजन कर लिए, उसके कुछ शेयर्स बना लिए। तो मान लेते हैं उन्होंने 1,000 शेयर बना लिए और ये नहीं 10,000 शेयर बना लिए। और तो अगर 10,000 शेयर बना लिए तो 1 शेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 रुपये। तो 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से इन्होंने बना लिए। अब ये इनके ऊपर है कि इसको ये 10 रुपये बना ले, 100 रुपये बना ले, 1 रुपये बना ले। तो मान लो अगर इन्होंने 10 की जगह 100 रुपये उसका प्राइस रख लिया होता तो कितने शेयर होते हैं इनके पास, 1,000। 1,000 शेयर होते हैं। तो 10 हो या 100 हो बात एक ही होती है। तो यहाँ पर जो 10 रुपये है इस कंपनी की बुक वैल्यू हो गई। क्या हो गई, बुक वैल्यू, यानी कि आज की डेट में इस कंपनी की वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर। ये इसकी आज की बुक वैल्यू हो गई। तो यहां हमने भी लिख दिया 10 रुपये। ठीक है, यहां तक सब क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये इन्होंने कंपनी अपनी सेटअप कर ली है जिसका जिसके 1 शेयर की बुक वैल्यू है 10 रुपये और इसके अभी 10,000 शेयर आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग यानी अभी 10,000 शेयर निकले हुए हैं। तो 10,000 शेयर है, फेस वैल्यू 10 रुपये है और इनकी कंपनी स्टार्ट हो गई है ऑन पेपर। आज हम मान के चलते हैं कंपनी स्टार्ट हो गई। कंपनी स्टार्ट करने के बाद इनको क्या है, फैक्ट्री स्टार्ट करनी है। फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, एक तो जमीन चाहिए जहाँ पे ये फैक्ट्री सेटअप करेंगे और प्लांट्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, वो सारी चीजें चाहिए। तो वो चीजें वो मान लेते हैं कि उसमें उन्होंने 50,000 रुपये लगा दिए। तो अब इनके पास कितना बचा पैसा, 50,000। 50,000 अलग से बचा। तो कैश अभी इनके पास है 50,000 और जो प्रॉपर्टी प्लांट जो भी इन्होंने फैक्ट्री सेटअप करने के लिए लगाई उसमें 50,000 लगा दिए। तो ये हम मान लेते हैं कि ये डे वन की स्थिति है, पहले दिन की
सिचुएशन है जहां पर इन्होंने सारा ये जो भी इनको जरूरत थी वो चीजें इन्होंने खरीद ली है और कैश जो है इनके सामने है 50,000। तो अभी इस समय इस कंपनी के हम टोटल वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 50,000 कैश प्लस 50,000 इनके प्लांट्स वगैरह की वैल्यू। तो आज भी इनकी कंपनी की वैल्यू वही 1,00,000 रुपए आएगी। ठीक है, तो अब जो है इन्होंने इनके पास 50,000 कैश है, 50,000 की इनकी प्रॉपर्टी हो गई और टोटल आज की डेट में 1,00,000 इसकी वैल्यू है। अब मान के चलते हैं थोड़ी और प्रोग्रेस करते हैं, इनकी फैक्ट्री स्टार्ट हो गई है, सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, कुछ कैश भी है इनके पास और अब ये फैक्ट्री में काम शुरू कर रहा है। तो जब भी फैक्ट्री में काम शुरू होता है तो कुछ भी चीज बनाने के लिए भी कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, बिना उस रॉ मटेरियल के आप कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो इन्होंने भी कुछ रॉ मटेरियल लगा दिया, मान लो वो 25,000 का लगा दिया, तो अब इनके पास कैश कितना बचा, 25,000। अब 25,000 इनके पास कैश बचा और इन्होंने इनकी प्रॉपर्टी प्लांट की वैल्यू आज भी कितनी है, 50,000। और करीब करीब 25,000 जो है इनका इनपुट कॉस्ट हो गया, तो वो अभी मैं इधर शो नहीं कर रहा हूँ, उसको हम अलग कॉलम बनाएंगे उसमें करेंगे वो सारी चीजें। तो अभी आप समझ लीजिए 25,000 जो है इन्होंने प्रोडक्शन जो भी प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए था उसमें लगा दिए। अब कोई भी चीज आप प्रोड्यूस करोगे तो उसके बाद वो चीज आपकी इनिशियली कहाँ पे आती है, फैक्ट्री में आती है और सीधे सीधे आपकी मार्केट में नहीं चली जाती है। तो मान लेते हैं कि इनने भी जो भी बनाया था गैजेट, तो उनमें से कुछ बने हुए रखे हुए हैं जो कि मार्केट में नहीं है पर इनकी फैक्ट्री में है। तो सपोज कर लो उसकी वैल्यू करीब 30,000 है, तो 30,000 की चीजें उनके पास है पर जो अभी मार्केट में नहीं गई है। और इसके अलावा कुछ चीजें इनने जो बनाई थी वो मार्केट में जा चुकी है जिसका उन्हें पैसा मिलना है। अब कोई भी चीज मार्केट में स्ट्रेट चली जाती है तो इससे कंपनी को पैसा नहीं मिल जाता है। जैसे कोई कार है, मारुति की बात कर लो, उन्होंने कार बनाई, कार पहले जाती है शोरूम पर शोरूम पर कार जाने से कंपनी को पैसा नहीं मिल जाता है, जब तक कस्टमर उसको नहीं खरीद लेता तब तक कंपनी के पास पैसा नहीं आता। तो मान लेते हैं इनकी का जो भी गैजेट इन्होंने बनाया था वो दुकानों पर पहुंच गया पर वो सेल नहीं हुआ है, तो उसकी कीमत करीब अपन यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं 19,500 अभी की डेट में। तो ये जो है जा चुकी है दुकानों में, दुकानों से बाहर जा चुकी है, दुकानों में है पर जैसे ये चीज सेल हो जाएगी उनके पास वो पैसा आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं अकाउंट रिसीवेबल, यानी वो पैसा जो इनको मिलने वाला है। और इन्वेंट्रीज क्या हो गई, वो सामान जो इनकी के इनके पास है पर अभी बिका नहीं है, मतलब इन्हीं की मार्केट में भी नहीं गया और इसकी वैल्यू अभी 30,000 है। अभी इन्वेंट्री वाली चीज जो है इस पर खास ध्यान देना है, कुछ कंपनियों के लिए अच्छा हो सकता है, कुछ कंपनियों के लिए बुरा हो सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हैं वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाती हैं, तो वो इनकी इन्वेंट्रीज में है, मार्केट में नहीं जा रहा है। ये फिगर आपको अगर बढ़ता हुआ दिख रहा है लगातार तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाते हैं। तो कंपनी भले ही इसकी वैल्यू 30,000 बताए पर एक्चुअल मार्केट में कुछ और वैल्यू हो सकती है। तो ये हमें खुद का दिमाग लगा के सोचना है कि ये सही वैल्यू है या नहीं है। कोई ज्वेलरी कंपनी है तो उसकी इन्वेंट्री में क्या होगा, ज्वेलरी होगी, और अगर गोल्ड का प्राइस ऊपर जा रहा है तो उसकी इन्वेंट्री की वैल्यू हो सकता है जो उन्होंने शो की है उससे भी ज्यादा हो। कोई रियल एस्टेट कंपनी है, उन्होंने बिल्डिंगें बना के रखी है जो कि बिकी नहीं है, वो भी इन्वेंट्री में आएगी। पर अगर आप रियल एस्टेट का प्राइस ऊपर जा रहा है तो इसकी वैल्यू भी हो सकता है जो यहाँ शो हो रही है उससे ऊपर हो। पर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो हो सकता है उसकी वैल्यू जो शो हो रही है उससे कम हो। कोई मान लो एप्पल ने आईफोन 5 लॉन्च किया, 6 महीने से उनकी फैक्ट्री में पड़ा हुआ है, तो क्या वो 6 महीने बाद बेचने जाएंगे तो वो प्राइस मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ऐसे केसों में यहाँ पे वो जो वैल्यू शो हो रही है वो एक्चुअल में ओवर हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, एक्चुअल से बहुत ज्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे खुद का दिमाग लगाना है इन्वेंट्री सही है या गलत है, इसको कैसे हमें ट्रीट करना है। ठीक है, तो अभी इनके पास टोटल एसेट की वैल्यू कितनी हो गई, 74,500। तो अभी जो है इनके पास 25,000 रुपए कैश है,
19,500 इनको मिलना है, 30,000 रुपए इनके जो भी इन्वेंट्रीज में है उसकी वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर इन सबका अगर हम टोटल करें तो ये हमारा करंट एसेट कितना आ जाएगा, 74.5। करंट एसेट इसलिए बोल रहे हैं इनको क्योंकि आज अगर ये आज की डेट में ये सेल करें तो इन्हें करंट पैसा इतना पैसा मिल जाएगा, कैश इनके पास इतना है, इतना मिलना है, इतना अभी इन्वेंट्रीज में है। और तो करंट एसेट की वैल्यू कितनी हो गई, 74.5 थाउजेंड। तो ये आज की डेट में करंट एसेट की वैल्यू हो गई। इसके अलावा प्रॉपर्टी प्लांट और इसकी वैल्यू 50,000। तो हमने स्टार्टिंग में इसको देखा था 50,000, पर जैसे कोई भी कंपनी हो, कोई भी फैक्ट्री हो, उसकी इक्विपमेंट्स की वैल्यू कम होती है लगातार। आपकी कार है, कार आप भले ही नई लेके आए हो, 4 लाख में लेके आए हो, पर एक साल बाद क्या वैल्यू उसकी 4 लाख होती है, नहीं होती। इसी तरह से फैक्ट्री में जो भी इक्विपमेंट होते हैं, कुछ भी होता है, इसकी वैल्यू भी लगातार कम होती है। और इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, यानी जो भी वैल्यू में कमी आती है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब ये डेप्रिसिएशन की वैल्यू इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करती है। रियल एस्टेट कंपनी है तो उसको एक्चुअल में ज्यादा उनके पास इक्विपमेंट नहीं होता है तो उनका डेप्रिसिएशन कम होता है। कोई स्टील की फैक्ट्री है तो उनका डेप्रिसिएशन काफी हाई होता है। कोई आईटी कंपनियां हैं तो उनके सॉफ्टवेयर वगैरह का, कंप्यूटर वगैरह का इनके डेप्रिसिएशन होता है तो उनके लिए वैल्यू कुछ और होती है। तो सबके लिए इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वैल्यू वेरी करती है। अब गवर्नमेंट भी ये बात जानती है कि हर चीज की वैल्यू कम होती है और इसको वापस उनको रिपेयर करने के लिए, काम चलाऊ रखने के लिए कंपनी को पैसा खर्च करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट हर कंपनी को डेप्रिसिएशन का डिस्काउंट देती है और करीब करीब ये रफली मान लेते हैं 20% है। तो गवर्नमेंट जो है 20% का आपको टैक्स में डिस्काउंट देती है जो भी आपकी वैल्यू। तो अभी इनकी जो प्रॉपर्टी और प्लांट की वैल्यू 50,000 है, एक साल का अपन 20% डेप्रिसिएशन मान ले तो कितनी रह जाएगी, 10,000 ये कम हो जाएगी। ठीक है, तो 20% कम कर दिया तो कितनी हो गई, यहाँ पे डेप्रिसिएशन हो गया 10,000 का। और अब इनकी नेट प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 में से 10 माइनस किया तो 40,000। तो एक साल बाद जो है इनकी प्रॉपर्टी जो पहले 50,000 की थी अब 40 की रह गई है। तो अब इनका टोटल एसेट कितना हो जाएगा, टोटल एसेट यानी ये सारी चीजों की टोटल वैल्यू। तो सबको हमें टोटल करना है, डेप्रिसिएशन को सिर्फ माइनस करना है। तो ये सारी चीजों को जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, करके देखो, 114.5 थाउजेंड। तो यहाँ आपने स्टार्टिंग में पहले कितनी थी, यहाँ पे टोटल एसेट की वैल्यू 1 लाख, अब कितनी हो गई है, 1,14,000। तो यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है जो कंपनी पहले 1 लाख की थी अब उसकी वैल्यू बढ़ गई है। बढ़ कैसे गई है, क्योंकि उसने कुछ चीजों को प्रोड्यूस किया, वो प्रोड्यूस किया उसका उसको पैसा मिलना है, इन्वेंट्री में भी कुछ चीजें, तो यहाँ इन चीजों के कारण उसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो 1 लाख की कंपनी अब कितनी हो गई है, 1,14,000 आज की डेट में इसके टोटल एसेट्स की वैल्यू हो गई है। ठीक है, इसी तरह जैसे हमारे घर में बिल होते हैं, हमें पानी का बिल, बिजली का बिल और इस तरह की कई छोटी मोटी चीजें के पैसे देने पड़ते हैं, वैसे ही कंपनियों को भी देने पड़ते हैं, उनको भी बहुत सा पैसा देना है बिजली का, बहुत सारी चीजों का। और जो पैसा उन्हें दूसरे को इस तरह का देना उसको हम बोलते हैं अकाउंट पेएबल। तो मान लेते हैं कि 10,000 करीब इनका फर्स्ट ईयर में अकाउंट पेएबल हुआ, यानी 10,000 के करीब के इनके जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं वो उनको देना है। अब इस कंपनी ने अभी कोई डेब्ट नहीं लिया है, किसी से लोन नहीं लिया, तो इसकी डेब्ट की वैल्यू 0। अब इस कंपनी को इस समय क्या देना है, सिर्फ 10,000 रुपए ही देने हैं दूसरे को, डेब्ट 0 है। तो टोटल लाइबिलिटीज इस समय कितनी होगी, सिर्फ 10,000। अगर उसका डेब्ट भी होता, कुछ कर्जा भी होता तो वो भी उसको देना पड़ता, तो वो भी हम यहाँ पे रखते हैं और उसको वैल्यू ऐड करते हैं। तो अब कितना हो गया इसका एसेट, हो गया इतना और लाइबिलिटीज हो गई टोटल इतनी। तो अभी आज की डेट में एक साल की स्थिति मान लें तो ये है इस कंपनी की बैलेंस शीट की पोजीशन। ठीक है, तो अब हम फाइनली मानते हैं कि इस कंपनी ने करीब करीब 4,500 रुपए का प्रॉफिट कमाया साल भर में। ये प्रॉफिट कब है, टैक्स देने के बाद, सारे खर्चे निकालने के बाद।
प्रॉफिट आफ्टर या आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है इनका 4,500 सारी चीजों की, तो ये प्रॉफिट भी एक्चुअल बाद में क्या होगा कंपनी की वैल्यू में ऐड होगा, इक्विटी में ऐड होगा। तो पहले जहां उसकी कितनी थी 1,00,000, ये ऐड कर दिया तो कितना हो गया 1,04,500। अब इस कंपनी के कितने शेयर हैं, स्टार्टिंग में हमने बताया था कितने शेयर आउटस्टैंडिंग हैं, 10,000। तो 10,000 शेयर आउटस्टैंडिंग है, तो इसको अगर हम 10,000 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा 10.45। ये इस कंपनी की नई बुक वैल्यू है, ठीक है। प्रॉफिट जो थी वो ऐड हो गया है जितना उसने बनाया था पर शेयर के हिसाब से, और वो ऐड हो गया है। तो जहां मिस्टर एक्स के पास पहले कितने शेयर थे इसके, 10,000 शेयर थे, वैल्यू कितनी थी इसकी 10 रुपए। अब वैल्यू कितनी है, इतने शेयर है, वैल्यू कितनी है 10.5, ठीक है 10.45। तो अब इनकी टोटल कितनी होगी वैल्यू, इनके पहले जो 1,00,000 थी अब इतनी हो गई है 10,500 रुपए। तो किस तरह से शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ती है कंपनी की वैल्यू बढ़ने के बाद, तो ये समझ में आ गया, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट का एक पार्ट था जिसमें हमने एसेट के बारे में बात की, लायबिलिटीज के बारे में बात की। आगे हमें बैलेंस शीट के बारे में देखना है, इसकी सेल्स के बारे में, रेवेन्यू के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, टैक्स के बारे में, किस तरह से क्या देखना है, और फाइनली हम देखेंगे कैश फ्लो के बारे में। उसके बाद एक एक चीज को बारीकी से कैसे देखना है और पता लगाना है कि कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी बुरी है, किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए किसमें नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो देखेंगे। ये सारी चीजें नोट हो गई, समझ में आ गया, कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, कुछ भी नहीं।